नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल डेली अपडेट्स इंजीनियरिंग में। दोस्तों, एक बड़ी खबर निकल के आ रही है कोल इंडिया लिमिटेड में। दोस्तों, जो लोग एमटी की तैयारी कर रहे थे, यानी कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग के तहत जो लोग मैनेजर बनने का सपना देख रहे थे, दोस्तों उनके सपने पे कोल इंडिया लिमिटेड ने पानी फेर दिया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा क्यों हुआ है आज हम बात करेंगे पूरी खबर के बारे में। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, कोल इंडिया लिमिटेड में अब जो मैनेजर की पोस्ट है उन्हीं लोगों को मिलेगी जिन लोगों ने गेट में टॉप किया है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप गेट के टॉपर हैं तो ही आप लोग मैनेजर की पोस्ट पा सकते हैं। दोस्तों, आइए बात करते हैं पूरी खबर के बारे में। कोल इंडिया मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए अब कोल इंडिया में गेट के टॉपर ही जो है वो सिलेक्ट हो पाएंगे। दोस्तों, यह जो प्रक्रिया है 2021 में स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि 2021 में जो गेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें जो लोग टॉप करेंगे वही लोग मैनेजमेंट ट्रेनिंग के तहत जो है कोल इंडिया में मैनेजर की पोस्ट पा सकते हैं, अन्यथा कोई भी मैनेजमेंट ट्रेनिंग के तहत जो है वहां पर पोस्ट नहीं पा सकता। दोस्तों, ये जो प्रक्रिया है ऐसा 2015 में भी हुआ था, पर 2015 में होने के बाद जो है कुछ समय के लिए इसको बंद कर दिया गया था। पर दोस्तों, अब कोल इंडिया के मैनेजमेंट ने यह फैसला किया है कि 2021 में जो गेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें हम इस प्रकार की प्रक्रिया रखेंगे कि इसमें जिन्होंने टॉप किया है वही कोल इंडिया लिमिटेड में मैनेजर की पोस्ट पा सकते हैं। आगे हम लोग देख सकते हैं कि इस टॉप आने के लिए आप लोगों को 1000 से 1500 के बीच स्कोर करना होगा। 1000 से 1500 के बीच अगर आपका स्कोरिंग है तो ही आप लोग मैनेजर की पोस्ट पा सकते हैं। उन्हें जो है एक साल की मैनेजमेंट ट्रेनिंग दी जाएगी जो लोग टॉप करेंगे, उसके बाद कोल इंडिया या उसकी अनुसंगी कंपनियां जो भी BCCL, WCL, NCL, CCL है वहां पर अपनी सेवा दे सकेंगे। हालांकि यह सभी इंजीनियरिंग से संबंधित विभागों के लिए ही होगा, यानी कि जो लोग इंजीनियरिंग से संबंधित है, चाहे वो माइनिंग के बंदे हो या अपना इलेक्ट्रिकल के मैनेजर के, या आप लोग देख सकते हैं कि मैकेनिकल के बंदे। इसके अलावा कोल इंडिया के इस निर्णय पर लोग मिश्रित प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि कोल इंडिया ने अच्छी शुरुआत करी है, अच्छी पहल है, इससे अभ्यर्थियों को अलग से कोई परीक्षा नहीं देनी होगी, यानी कि जो लोग गेट में टॉप कर जाते हैं उनका डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा। जबकि कुछ लोगों का मानना है कि इससे कोल इंडिया की काफ़ी सीटें जो है खाली रह जाएगी, क्योंकि कोल इंडिया लिमिटेड में दोस्तों ये जो है अपना सीटें फुलफिल नहीं हो पाती है, क्योंकि सारे लोग जो हैं गेट में टॉप नहीं कर पाते हैं, इसके कारण जो है सीटें खाली रह जाती है। इसलिए कुछ लोगों का मानना है कि ये सीटें जो है खाली रह जाएगी। दोस्तों, ऐसा जो है पहले भी हो चुका है, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, 2015 में भी ऐसा ही हो चुका है। तब ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, यानी कि जो गेट के एग्ज़ाम हैं उन्होंने जो टॉप किया था उन्होंने कोल इंडिया लिमिटेड को ज्वाइन किया था। पर दोस्तों, कोल इंडिया लिमिटेड में आप लोग जानते हैं कि उस प्रकार की सुविधाएं नहीं मिलती है, आप लोगों को जंगल पहाड़ में रहना पड़ता है, वहां पर जो है आप लोगों को मैनेजर की पोस्ट दी जाती है, जिसके कारण कई सारे जो गेट के टॉपर थे उन्होंने अपनी जो जॉब है उसको छोड़ दी, उसके बाद वो सीटें खाली रह गई। दोस्तों, इसी को देखते हुए कोल इंडिया के मैनेजमेंट ने ये एक बार फिर फैसला किया है कि हम जो है मैनेजर की पोस्ट के लिए गेट टॉपर्स को ही लेंगे। दोस्तों, अब हमें ये देखना होगा कि कितने लोग टॉप करते हैं, क्योंकि गेट का एग्ज़ाम जो है हमारे देश में काफ़ी टफ माना जाता है। जो लोग भी बी या बीटेक करते हैं उनके लिए गेट का एग्ज़ाम जो है कंपलसरी कर दिया गया है कुछ जगहों पर। इसी को देखते हुए दोस्तों, हमारे कोल इंडिया ने जो है एक बार फिर ये फैसला लिया है कि गेट टॉपर्स को ही हम मैनेजमेंट ट्रेनिंग के तहत मैनेजर की पोस्ट देंगे। दोस्तों, गेट का एग्ज़ाम भारत में काफ़ी टफ एग्ज़ाम होता है और उसमें टॉप करना काफ़ी लोगों के लिए जो है पॉसिबल नहीं होता है। अगर कोल इंडिया लिमिटेड गेट के बेस पर सिलेक्शन करती है तो दोस्तों इससे जो है आप लोगों को सिर्फ एक एग्ज़ाम ही देना होगा। अगर आपने गेट में टॉप कर लिया तो आपका डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा, इसमें बाद में आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई एग्ज़ाम नहीं देना है, यह बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, आइए बात कर लेते हैं गेट के बारे में। तो गेट में आप लोगों को बता दें कि अभी जो है फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं, इसमें जो है 30 सितंबर तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद 2021 में आप लोगों का 8 जनवरी को एडमिट कार्ड आ जाएगा। इसके बाद 5 से 14 फरवरी तक जो है आप लोगों का एग्ज़ाम होगा और 22 मार्च को जो है आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा।
तो दोस्तों ये रही सारी जानकारी, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।